चुका हूँ, है ना। अब एक बार देख लेते हैं, कंफर्म करते हैं क्या मैं लाइव आ चुका हूँ। जस्ट अ मिनट यार। हाँ ओके, चलो तो शो हो गया यहाँ पे, ठीक है। ओके अभी मैं लाइव हूँ, बहुत ही बढ़िया। ओके चलिए स्टार्ट हो गया ना, एक बार कंफर्मेशन ले लेते हैं। बिल्कुल हाँ, सामने चलो एड प्ले हो गया और स्टार्ट हो गई। गौतम मेरे भाई, चलिए गुड इवनिंग। अरे गौतम तो आ चुके हैं, ठीक है थीके? चलो बहुत ही बढ़िया। तो हाय गाइस, वेलकम टू ऑली बोर्ड। मैं सौरभ, आप सभी लोगों का शानदार साइंस फैकल्टी और सभी लोगों का वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल ऑली बोर्ड SSC पे, ठीक है, एंड फॉर्मरली नोन एज SSC ट्यूब, ठीक है। और आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है ऊष्मा, यानी कि हीट, ठीक है। और ये अपना सेकेंड लास्ट टॉपिक है, इसके बाद केवल एक ही टॉपिक आपका बचता है, वो बचता है करंट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, जिसको दो पार्ट में मैं पढ़ाऊंगा, दो भाग में मैं पढ़ाऊंगा। और मैंने ऑप्टिक्स का आपको बताया था, मैंने एक वीडियो के लिंक दी थी, है ना। मैंने आपको ये बताया था कि इस वीडियो में आप सर्च कर लेना यूट्यूब पे, पहला ही जैसे ही जो वीडियो दिखेगा वही मेरा वीडियो है, वहां से आप ऑप्टिक्स पढ़ लेना, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया। गौरव आ गए हैं, मनाली, दीपू, दीपा दास, बहुत ही बढ़िया, सभी लोग आ गए, ठीक है। सभी लोग फटाफट आते जा रहे हैं और एक बार लाइक करेंगे वीडियो फटाक से, है ना। चलो एक बार लाइक कर दो फटाक से और फिर इसके बाद शुरू करते हैं क्लास को, ठीक है। वीडियो अपने ग्रुप पे भी शेयर हो गई है, ठीक है, आ जाओ। चलो बस मैंने डाल दी वीडियो, ये गई वीडियो, और आ जाओ फटाक से चलते हैं। चलो तो ये आपका सामने आपके टाइम टेबल दिख रहा है, ये आपका टाइम टेबल है जो आपको रोज फॉलो करना है। शीतल मैम सुबह 11 बजे क्लास शुरू करती हैं, योगी सर आज नहीं ले पाए हैं कुछ इमरजेंसी के कारण, लेकिन रोज योगी सर 7 बजे लेते हैं, रविंदर सर की 8 बजे, राहुल सर की 9 बजे और मेरी होती है रात के 10 बजे क्लास आपकी। एक और चीज, टेलीग्राम, ठीक है, आप मुझे टेलीग्राम में साइंस बाई सौरभ सर इसमें ज्वाइन कर सकते हैं फॉर PDF एंड स्टफ। कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं डायरेक्टली, मैं इस टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपसे डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहूंगा। SSC ने, सॉरी ऑली बोर्ड ने आपके लिए क्रिसमस में स्पेशल ऑफर लाया है, 23 से 26 तारीख तक। आप SSC एलीट या SSC सुपर एलीट का कोई भी कोर्स लेते हैं तो आप यहाँ पे अगर सौरव सर का कूपन कोड अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो 50% का आपको यहाँ पे ओवरऑल डिस्काउंट मिलेगा, जो कि मैं कहता हूँ कि अगर आप सोच भी रहे हो तो ले लो इस समय कुछ भी, क्योंकि इससे ज़्यादा डिस्काउंट ऑली बोर्ड नहीं देगा आगे कुछ टाइम तक, ठीक है। और SSC CGL का भी आपको फॉर्म फिलअप की डेट आ ही गई है, तो आप लोग बहुत सारे लोग अभी प्रिपरेशन शुरू कर दोगे SSC CGL की भी, ठीक है, तो आप इसे ले सकते हैं। ठीक उसी तरह रेलवे के प्लान्स में भी, चाहे मॉक टेस्ट लेते हो या कुछ भी लेते हो, सौरभ सर अप्लाई कर देना, ठीक है, 50% का तुम्हें डिस्काउंट मिल जाएगा। ये वो वाला थंबनेल था जिसकी मैंने बात करी थी, बहुत सारे लोगों को ऑप्टिक्स पढ़ना है, प्रकाशिका पढ़ना है, ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखी है, इसीलिए मैं दोबारा से आपका टाइम नहीं वेस्ट करा रहा सेम चीज पढ़ा करके, क्योंकि यही चीज जो पढ़ाया है वही दोबारा ही पढ़ाऊंगा। तो इससे अच्छा तुम बाकी दिन में अपने किसी भी समय निकाल करके, 2 घंटा समय निकाल करके इसको 1.25x में लगा करके फटाफट इस वीडियो को देख लेना, ठीक है। सर्च करना ऑप्टिक्स बाई सौरभ सर और सामने आ जाएगी वीडियो, क्लियर। तो ये था इंट्रोडक्शन वाला पार्ट और अब शुरू करते हैं ऊष्मा और तापमान, हीट एंड टेम्परेचर आज की अपनी क्लास शानदार तरीके से, ठीक है, लाइक करेंगे एक बार बढ़िया। चलो गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सुधीर गुप्ता, बहुत सर्च के बाद मिला था ऑप्टिक्स। अरे मेरे भाई सीधे है ऑप्टिक्स बाई सौरभ सर, आप सर्च करोगे सीधे मिलेगा, आप केवल लिख दो ऑप्टिक्स बाई सौरभ सर, ठीक है, सबसे पहली वीडियो यही आती है ऑप्टिक्स बाई सौरभ सर में, सबसे पहली वीडियो वही आती है, ठीक है, ऐसा सेट ही है वो। चलिए बहुत ही बढ़िया, लिया जाए शुरू। मुकेश और हेलो प्रिंस भी आ गए, सुधीर सभी लोग आ गए, महाकाल भाई भी आ गए, चलो ठीक है, ऑसम। तो स्टार्ट किया जाए, अब कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा, पूरा फोकस रहेगा ध्यान क्लास पे, ऊष्मा और तापमान, ठीक है। पहले ऊष्मा के बारे में जानेंगे, फिर थोड़ा सा तापमान पढ़ेंगे और फिर बाकी ऊष्मा के संचरण के प्रकार देखेंगे, क्लियर है। चलिए तो देखते हैं हीट क्या होता है। अगर आप सबसे पहले अगर सोचें और महसूस करने की कोशिश करें कि ऊष्मा यानी हीट क्या हुआ करता है, तो हीट क्या है, हीट क्या है, हीट एक प्रकार की ऊर्जा है। हीट क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है जो एक शरीर से दूसरे शरीर में तभी स्थानांतरित होती है जब वहां पे तापमान का अंतर होता है दो वस्तुओं के बीच में या दो शरीरों के बीच में, यही इसकी छोटी सी डिफिनेशन है। ऊर्जा
जो तापमान में अंतर के परिणाम स्वरूप एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है, उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। उसे ही हम क्या कहते हैं, ऊष्मा कहते हैं। एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस। मतलब कि क्या हुआ, जैसे एक छोटा सा उदाहरण देखो कि ये तुम्हारी मोमबत्ती कैंडल लगी हुई है और ये इंसान रॉड को हाथ से गर्म कर रहा है, तो जो आपका ऊर्जा है, सॉरी, जो आपकी ऊष्मा है यानी हीट है, वो इस वाले कोने से इस वाले कोने की तरफ जा रही है। क्या कर रही है, जो ऊष्मा है वो इस वाले कोने से इधर की तरफ जा रही है। क्यों, क्योंकि ये वाला हिस्सा आपका गर्म हिस्सा है जिसका तापमान क्या है, ज्यादा है, और ये वाला हिस्सा कैसा है, ठंडा हिस्सा है जिसका तापमान क्या है, कम है। ठीक है, तो ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा जो कहां से कहां जाती है, जो कहां से कहां जाती है, कम तापमान से ज्यादा तापमान की तरफ, है ना। और दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि जब दो जगहों के बीच में या दो बिंदुओं के बीच में आपका तापमान अंतर होता है, तभी ऊष्मा स्थानांतरित होती है, तभी यह ऊर्जा स्थानांतरित होती है। क्लियर, तो ये छोटा सा डिफिनेशन था आपके लिए हीट का, कि हीट की डिफिनेशन क्या होती है। क्लियर है, चलिए बहुत ही बढ़िया। अगला बात है कि आपका जो ऊष्मा है किसी पिंड में परमाणुओं या अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा का माप कहलाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या अगला पॉइंट मैंने बोला कि हीट इज द मेजर ऑफ द टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इन अ बॉडी। क्लियर है, बात को समझिएगा। मान लीजिए मैंने एक ये डब्बा लिया, ठीक है, एक ये डब्बा लिया, ठीक है, तो इस डब्बे में क्या है, कई प्रकार के छोटे छोटे कण या आपके अणु या मॉलिक्यूल मौजूद हैं। ठीक है, अगर मान लेते हैं ये धीरे धीरे इधर उधर भाग रहे हैं, ये इधर उधर धीरे धीरे अगर चल रहे हैं, तो आप क्या कहोगे कि इसका जो टेम्परेचर है, इसका जो तापमान है, वो क्या है, कम है। और उसी प्रकार से अगर मैं एक और डब्बा लेता हूं और मैं इस डब्बे में कई अणु इसमें भी मौजूद हैं, लेकिन जो ये अणु हैं ये बहुत तेजी तेजी से इधर उधर गति कर रहे हैं, ये जो अणु हैं ये बहुत तेजी से इधर उधर गति कर रहे हैं, मतलब इनका जो वेलोसिटी है ज्यादा है, इन वाले अणुओं का वेलोसिटी कम था, तो जब सभी अणुओं का यहाँ पे जो वेलोसिटी यानी वेग ज्यादा है, तो इनका तापमान भी ज्यादा होगा, इस वाले कंटेनर का, इस वाले डिब्बे का तापमान भी ज्यादा होगा। यानी क्या पता चला हमें, कि जो ऊष्मा है वो किसी पिंड में परमाणुओं या अणुओं की कुल गतिज ऊर्जा का माप होती है। जितने भी इसमें परमाणु मौजूद हैं, अगर उनका सभी का गतिज ऊर्जा का तुम जोड़ निकालो ना, तो वो जो तुम्हें मिलेगी ऊर्जा, वही उस क्या क्या हो जाएगा, वही उसका ऊष्मा कहलाएगी। क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरी चीज है, एसआई यूनिट जो होती है वो जूल होती है और सीजीएस यूनिट होती है कैलोरी, और एक कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होती है। ठीक है, एक कैलोरी 4.18 जूल के बराबर होती है। तो ये हो गया तुम्हारा ऊष्मा के बारे में। अब ऊष्मा के बाकी चीजों को अपन थोड़ा सा आगे पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हमें समझना है तापमान क्या होता है। हमें सबसे पहले क्या समझना है कि टेम्परेचर यानी तापमान क्या होता है, व्हाट इज टेम्परेचर। तो टेम्परेचर और ऊष्मा में बहुत बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो ऊष्मा को मैंने कहा, सीधे याद रखो कि ऊष्मा क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है यानी हीट एनर्जी है, लेकिन तापमान क्या होता है मेरे शेर, तापमान तुम्हारा किसी वस्तु को किसी वस्तु की उष्णता को नापता है। यानी कोई चीज ऐसी हो जिसके माध्यम से किसी भी वस्तु का ये बात नापी जा सके कि वो वस्तु ठंडी है या वो वस्तु गर्म है, उसको तापमान कहा जाता है। ठीक है, तापमान किसी वस्तु की उष्णता की माप करता है। जैसे अगर ये लाल है, यानी ये क्या है, गर्म वस्तु है। क्या है ये, गर्म वस्तु। तो तापमान क्या होगा, तुम्हारा जो तापमान क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा होगा, और तापमान ज्यादा होने से क्या पता चलेगा, वो वस्तु गर्म है। इसी प्रकार से ये क्या है, ये ठंडा वस्तु है, ये ठंडा वस्तु है, तो यहाँ पे तापमान क्या होगा, यहाँ पे तुम्हारा तापमान कम होगा, तो तुम क्या कहोगे, तापमान कम है यानी वह वस्तु ठंडी है। क्लियर है, तो इट इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ द बॉडी, सबसे सरल शब्दों में। इसके अलावा क्या बोलेंगे इसे, कि यह सिर्फ एक पैमाना है जो किसी पिंड की तापीय अवस्था को मापता है। ठीक है, ये भी आप समझ गए, ये एक पैमाना है। मतलब अगर मैंने बोल दिया कि कोई चीज का तापमान 100 डिग्री सेल्सियस है, मतलब वो बहुत गर्म है, और मैंने बोला 0 डिग्री सेल्सियस है, मतलब अत्यधिक ठंडा है, अत्यधिक ठंडा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक प्रकार का पैमाना है, एक प्रकार का पैमाना
पैमाना है किसी भी पिंड का तापीय अवस्था नापने के लिए, ठीक है। अच्छा फिर अब ये आता है कि भैया पैमाने कितने प्रकार के हैं, तापमान के जो पैमाने हैं वो कितने प्रकार के हैं। तो तीन प्रकार के इनको निर्धारित किया गया, तापमान के पैमाने कौन कौन सा, तीन प्रकार से आप इनको नाप सकते हैं। एक होता है डिग्री सेल्सियस, एक होता है केल्विन, और एक क्या होता है फारेनहाइट, ठीक है। इनके बारे में संबंध भी स्थापित किया गया कि तीनों आपस में किस हिसाब से आपस में संबंध रखते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला जो कि याद रखना है, C/5, यहाँ पे C डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस को बताता है, केल्विन -273/5 जहां पे K क्या बताता है केल्विन तापमान को, और F -32/9 यहाँ पे F क्या बताता है डिग्री फारेनहाइट को बताता है। क्लियर, ये संबंध स्थापित किया गया इन तीनों तापमान के पैमानों पर, ठीक है, इन तीनों के तापमान के पैमाने पर। सवाल हमेशा परीक्षा में इसी हिसाब से आएगा कि बोल देगा फारेनहाइट में अगर तापमान 80 है, अगर फारेनहाइट में तापमान 80 है तो बताओ डिग्री सेल्सियस में वो तापमान कितना होगा। तो तुम इस फार्मूले का इस्तेमाल इस प्रकार से करोगे, है ना, इस प्रकार से करोगे। एफ का मान यहाँ पे कितना रख दोगे, एफ का मान यहाँ पे रख दोगे 80, और इसको क्या कर लोगे आप, कर लोगे इसको सॉल्व, इसको क्या कर लोगे आप, कर लोगे सॉल्व, आ जाएगा 48 × 5/9, ये आपका डिग्री सेल्सियस में तापमान हो जाएगा, ठीक है। तो हमेशा ये फॉर्मूला आपको इस्तेमाल करना है और इसको याद भी करके रखना है। सर जी प्रणाम, हिंदी में एक कहावत है कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। अरे प्रमोद मेरे भाई थैंक्स अलॉट। हाँ यार, है ना, बूंद बूंद से घड़ा, यार हर चीज की शुरुआत एक से ही होती है ना, हर चीज की शुरुआत एक से होती है। चलिए बहुत ही बढ़िया, ओके चलिए आगे बढ़े, आगे बढ़े, यहां तक क्लियर है सबको, चलो बहुत ही बढ़िया। अब थोड़ा सा और बात देखते हैं, और जैसे मैंने कहा कि मैंने इन तीनों के बीच में एक रिलेशन आपको बताया, तापमान के पैमाने के बीच में ये हमने एक संबंध स्थापित किया, लेकिन आपको ये तीन पॉइंट जो यहाँ पे लिखा है वो जानना जरूरी है कि कथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक बिंदु और आपका एब्सोल्यूट जीरो, है ना, एब्सोल्यूट जीरो, ये तीन ऐसे तापमान बिंदु हैं जिनको आपको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि इन तापमान बिंदु पर चाहे तापमान डिग्री सेंटीग्रेड में हो, चाहे केल्विन में हो, चाहे फारेनहाइट में हो, उनका मान कितना होता है यानी उनकी वैल्यू कितनी होती है इन सारे पॉइंट्स पे, वो सबसे ज्यादा परीक्षा में पूछी जाती है, ठीक है। तो अगर एब्सोल्यूट जीरो देखा जाए यानी कि ये ऐसा तापमान होता है एब्सोल्यूट जीरो कि इससे ज्यादा तापमान नहीं पॉसिबल है, मतलब ये न्यूनतम तापमान है, ठीक है, ये एब्सोल्यूट जीरो मतलब इससे ज्यादा नीचे तापमान नहीं जा सकता। तो कैल्विन में इसे जीरो कैल्विन कहा जाता है, अगर सेल्सियस में बोले कि एब्सोल्यूट तापमान कितना होगा तो -273 सेल्सियस होता है एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, और फारेनहाइट में -459 डिग्री फारेनहाइट होता है, -459 डिग्री फारेनहाइट। उसी प्रकार अगर हिमांक बिंदु देखें कि फ्रीजिंग पॉइंट मतलब अगर पानी को इस तापमान में रख दिया जाए तो वो पानी क्या हो जाएगा, जम जाएगा यानी फ्रीज हो जाएगा वो वाटर। तो 273 केल्विन आपका हिमांक बिंदु फ्रीजिंग पॉइंट होता है, 0 डिग्री सेल्सियस सेल्सियस में फ्रीजिंग पॉइंट होता है, और 32 डिग्री फारेनहाइट फारेनहाइट पैमाने में आपका हिमांक बिंदु होता है। उसी प्रकार अगर कथनांक की बात करें यानी बॉइलिंग पॉइंट की, यानी पानी उबल जाएगा, है ना, इसमें अगर देखें तो पानी क्या हो जाएगा, बॉइल हो जाएगा आपका, उबल जाएगा। तो 373 केल्विन पे पानी उबलेगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल जाएगा, और 212 डिग्री फारेनहाइट पे भी तुम्हारा पानी उबल जाएगा। तो ये सभी तापमान के पैमाने इन तीनों बिंदुओं पर आपको ध्यान में रखना अति आवश्यक है, बहुत बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है। ये सीधे आपसे पेपर में सवाल पूछेगा, छोटे छोटे एमसीक्यू बना करके यहां से सीधे आपसे सवाल पूछेगा, ठीक है। अरे दीक्षा देर नहीं हुई है ना, नकुल मेरे भाई चलिए वेलकम, बहुत ही बढ़िया, है ना, चलो बहुत ही बढ़िया, यहां तक क्लियर है सभी को, यहां तक क्लियर है, चलो बहुत ही बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा और आगे चलते हैं और देखते हैं कि भैया एब्सोल्यूट जीरो तापमान होता क्या है, परम शून्य तापमान किसे कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। तो आपने ये बात तो समझ ली कि सर ठीक है, चलो बोलने में मजा आ गया, सुनने में मजा आ गया कि 0 डिग्री केल्विन, -273 डिग्री सेल्सियस, है ना, -452 फारेनहाइट, आपने कह दिया कि ये एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, इससे ज्यादा कम तापमान नहीं जा सकता। लेकिन थोड़ा सा और समझाइए कि होता क्या है परम शून्य तापमान। तो
तो ये जो तापमान होता है, ये ऐसा तापमान होता है, ऐसा टेम्परेचर होता है जहां पे किसी भी मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाती है, यानी कि किसी भी अणु की जो गतिज ऊर्जा है वो शून्य हो जाती है। मैंने तुम्हें बताया था शुरुआत में ही, मैंने तुम्हें बताया था कि अगर अगर कोई कंटेनर लो और अगर आपको उसका तापमान नापना है तो आप क्या करोगे, उसमें मौजूद अणु कितना तेज से गति कर रहे हैं तो उससे क्या पता चलेगा, उनकी गतिज ऊर्जा कितनी है ना, उनकी काइनेटिक एनर्जी कितना है, उनकी वेलोसिटी से पता चलेगा। और मैंने कहा फिर कि क्या वही चीज आपका उस कंटेनर की क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी, उसी कंटेनर का ऊष्मा हो जाएगा कि वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है। क्लियर है? लेकिन अगर आप टेम्परेचर इतना घटा दो, इतना घटा दो, इतना घटा दो कि जो वहां पे मौजूद अणु हैं, मॉलिक्यूल हैं, अब वो चलना फिरना ही बंद कर दें, वो क्या करना बंद कर दें, अब अपनी जगह पे रुक जाएं, कभी इधर उधर चले ही नहीं, तो वो कहलाता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अगर तुम यहां पे ध्यान से देखो तो ये तापमान करीब 5 डिग्री सेल्सियस है, ये तापमान करीब 20 डिग्री सेल्सियस है, और ये तापमान करीब 40 डिग्री सेल्सियस है। अगर तुम ध्यान से देखो तो क्या यहां पे मॉलिक्यूल्स ज्यादा तेजी से वाइब्रेट कर रहे हैं, क्या यहां पे मॉलिक्यूल ज्यादा तेजी से कंपन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, बहुत तेज तेज से कंपन कर रहे हैं। यहां पे देखो तो उनका जो कंपन है वो थोड़ा कम है ना, वो थोड़ा वाइब्रेट कैसा कर रहे हैं, वाइब्रेट लेस है ना, थोड़ा सा कम कर रहे हैं, ये थोड़ा सा कम कंपन कर रहे हैं। और अगर यहां पे देखो तो और कम हो गया है ना, यहां पे जो इनका वाइब्रेशन था ये अब और कम हो गया। इसी तरह जब आप धीरे धीरे -273 डिग्री सेल्सियस पे पहुंचोगे तो ये सभी अणु क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, अब कोई इनमें कंपन नहीं होगा। यानी कि अभी तो धीरे धीरे इनकी काइनेटिक एनर्जी घटती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन बाद में काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, पूरी खत्म हो जाएगी, और वही तापमान कहलाता है एब्सोल्यूट जीरो। तो कोई कभी भी पूछे कि क्या होता है तो बोल देना कि किसी भी मॉलिक्यूल का जब काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाता है तो वो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पे ही पॉसिबल है, और उसी टेम्परेचर को एब्सोल्यूट जीरो कहते हैं। क्लियर है? क्लियर है तो ठोको लाइक, आगे बढ़ो। ठीक है, तो ये होता है एब्सोल्यूट जीरो। और डिग्री सेल्सियस में -273.15 डिग्री सेल्सियस को कहते हैं, और 0 डिग्री केल्विन, ये होता है आपका परम शून्य तापमान। क्लियर है? चलो बहुत ही बढ़िया, यहां तक सभी को क्लियर है तो मजा आ गया, यहां तक मेरे को समझाना था। अब तापमान के बारे में आपने जान लिया जितना आपको जानना था, है ना सर? 273 कैसे आया? अरे ये रिलेशन मैंने बताया ना, C/5 F-32/9 और K-273/5। ठीक है, तो अगर मैंने कहा कि जो आपका परम शून्य तापमान है वो केल्विन तापमान जीरो होने पर है, तो ये बताओ इन दोनों के बीच में संबंध क्या आएगा, C/5 0-273/5, 5 से 5 काट दो, सी कितना आएगा, -273 डिग्री सेल्सियस। यही क्या हो जाएगा, परम शून्य तापमान, क्या हो जाएगा, ये परम शून्य तापमान हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब ऊष्मा संचरण क्या है, व्हाट इज हीट ट्रांसफर। ठीक है, आपने टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया, मैंने आपको पढ़ा भी दिया। ठीक है, अब हमने हीट समझा, मैंने आपको समझाया हीट क्या होती है, भैया एनर्जी होती है, ट्रांसफर होती है, वगैरह वगैरह मैंने बता दिया कि एक तापमान से, है ना, जहां पे तापमान ज्यादा होता है वहां से कम तापमान की तरह प्रसारित होने वाली ऊर्जा, यानी कि आपका ट्रांसफर होने वाला हीट होता है, ये क्लियर है, बहुत ही बढ़िया। अब इसी को थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं, हीट ट्रांसफर को थोड़ा और अच्छे से समझते हैं। तो हीट ट्रांसफर डिस्क्राइब्स द फ्लो ऑफ हीट बिकॉज ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट। ठीक है, ऊष्मा संचरण दो बिंदुओं के बीच तापमान अंतर के कारण गर्मी के प्रवाह का वर्णन करता है। ठीक है, यानी ये गर्म चीज है, वार्म ऑब्जेक्ट है, ये गर्म चीज है। ठीक है, तो यहां से हीट अपने आप किधर जाएगा, ठंडे वस्तु की तरफ जाएगा, किधर जाएगा, ठंडे वस्तु की तरफ, कूलर ऑब्जेक्ट की तरफ जाएगा, और यही कहलाता है हीट ट्रांसफर। लेकिन अब ये कई प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं हीट ट्रांसफर आपके, कई प्रकार के होते हैं। तो ऊष्मा अंतरण के तीन प्रकार होते हैं, देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, इन्हीं को अपने को पढ़ना है। पहला होता है चालन, फिर होता है संवहन, और फिर होता है विकिरण, यानी कि कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, ये तीन चीज होती है। ये क्या होती है, आपकी तीन चीज होती है। सूरज मेरे भाई गुड इवनिंग, चलिए, है ना, चालन, संवहन और विकिरण। अब इन्हीं को डिटेल में समझेंगे। अगर आप एक छोटा सा अपने सामने यहां पे बना हुआ चित्र देखें,
तो इस चित्र में अगर आप देखेंगे मेरे भाई, तो यहाँ पे क्या है ना, सारी प्रक्रियाएं हो रही हैं। आप ध्यान से देखो, मैं इसके बारे में अभी डिटेल में बताऊंगा, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे सारी की सारी प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पे आग जल रही है, फायर है यहाँ पे, तो यहाँ पे ये रॉड गर्म होना आपका चालन यानी कंडक्शन को दिखा रहा है। ये इंसान ठंड में अपना हाथ सेक रहा है आग के पास खड़ा होकर के, तो ये कन्वेक्शन को बता रहा है। और ठीक उसी प्रकार एक दूसरा व्यक्ति थोड़ा दूर खड़ा होकर के हाथ सेक रहा, और ये आपके रेडिएशन यानी विकिरण को बता रहा है, विकिरण प्रकार को बता रहा है ऊष्मा के संचरण के। क्लियर है? तो इन्हीं तीनों को आपको समझना है। अब चलते हैं उसी की तरफ कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, ठीक है, ऊष्मा संचरण के तरीके जो जो हैं उनको एक एक करके अपन समझ लेंगे। तो पहला जो होता है कंडक्शन, क्या होता है? चालन। तो पहले चीज देखेंगे कि चालन जो होता है, अब मैं जब ये तीनों चीज आपकी कंप्लीट हो जाएगी ना, चालन और संवहन और विकिरण, तब आपको खुद ही समझ में आने लगेगा कि जब किसी चीज में ऊष्मा का संचरण हो रहा है तो वो किस प्रकार का है ना, किस प्रकार का मोड ऑफ हीट ट्रांसफर है, वो आपको तुरंत समझ में आने लगेगा। तो जैसे मैंने बोला कंडक्शन, तो पहला पॉइंट ये है कि कंडक्शन में माध्यम की आवश्यकता होती है ऊष्मा के संचरण के लिए, यानी हीट ट्रांसफर के लिए मीडियम का रिक्वायरमेंट होता है। पहला पॉइंट क्लियर है। अच्छा, दूसरा पॉइंट क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, कि ये सॉलिड मटेरियल में होता है। अब देखो यहां से इंटरेस्टिंग हो गई बात, ये यहां से बात इंटरेस्टिंग हो गई कि जो कंडक्शन था मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, वो केवल ठोस पदार्थों में होता है, सॉलिड मटेरियल में हुआ करता है। क्लियर है यहां तक? यहां तक समझ में आ गया? अच्छा, फिर तीसरा पॉइंट है कि जो उसमें मॉलिक्यूल्स हैं उनका एक्चुअल मोशन नहीं हो रहा, यानी वो सभी मॉलिक्यूल, उस ठोस पदार्थ में मौजूद सभी मॉलिक्यूल वास्तविक रूप से गति नहीं कर रहे हैं, वो केवल अपनी ही जगह पे कंपन कर रहे हैं, वो अपनी मीन पोजीशन पे वाइब्रेट कर रहे हैं, और उसी के चलते क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रही है, तुम्हारा ऊष्मा संचारित हो रही है। तो तीसरा पॉइंट है कि ऊष्मा संचरण के लिए अणु की वास्तविक गति शामिल नहीं होती है। अब सीधी सी बात है, अगर इस प्रकार का ऊष्मा संचरण आपका किसमें हो रहा है, सॉलिड मटेरियल में हो रहा है, तो भैया ठोस पदार्थ में तो वैसे भी जो मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं उसमें, जो मौजूद अणु हैं, तो उनकी वास्तविक गति नहीं होगी। लेकिन फिर भी क्या हो रहा है, हीट ट्रांसफर हो रहा। हीट कहाँ से कहाँ जा रहा है? सर, गर्म से ठंडे जगह पे जा रहा है। तो ये क्यों जा रहा है? मैंने बोला था वास्तविक रूप से क्या हो रहा है वहां पे जो मौजूद अणु हैं वो आपस में वाइब्रेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कंपन कर रहे हैं। आप देखिए, ये मान लीजिए ये आपकी क्या थी, रॉड। ये क्या थी आपकी, एक रॉड, ठीक है, ये समझो कि एक तुम्हारी रॉड थी। अब यहां पे कैंडल जला के मैंने रॉड गर्म करी, तो देखो क्या हो रहा है, तुम देखो रॉड यहां से रेड हो रही है, और धीरे धीरे तुम्हारी जो हीट है वो इस डायरेक्शन में ट्रांसफर हो रही है कि नहीं, तुम्हारी जो हीट है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रही कि नहीं, रॉड तुम्हारी गर्म होती जा रही है। लेकिन क्या तुम ध्यान से देखो, क्या उसमें जो मौजूद मॉलिक्यूल्स हैं क्या वो भाग रहे हैं, क्या वहां से क्या वो भाग रहे हैं? नहीं सर, वो केवल अपनी जगह पे ऐसे कंपन कर रहे हैं, सभी मॉलिक्यूल अपनी जगह पे कंपन कर रहे हैं। तो इस प्रकार का जो ऊष्मा का संचरण का तरीका है उसे कहते हैं कंडक्शन यानी कि चालन। क्लियर है? यहां तक सभी को समझ में आ गया? समझ में आ गया तो एक बार लाइक जरूर करो यार, तुम लोग यार डिसअपॉइंट कर देते हो मुझे मेरे भाई, इतना ज्यादा मेरे साथ अत्याचार क्यों करते हो? हैं, 35-40 लोग देख रहे हो और लाइक केवल इतने कम करते हो, तुम्हें पता है कितनी मेहनत लगती है इतनी अच्छी क्लास बनाने में? हैं, तुम सीधे सीधे समझ लो, सपनों की तरह समझ ले रहे हो सारी चीजें, एकदम दिख रही है तुम्हें आपके आंखों के सामने, है ना? चलो बहुत ही बढ़िया। दूसरा क्या प्रकार है? दूसरा है कन्वेक्शन संवहन। अरे मजे लेके पढ़ेंगे, है ना, मजे लेके पढ़ेंगे सारी। देखो फिजिक्स इतना अच्छा टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ, मेरे दिल के करीब इतना ज्यादा है, करीब है फिजिक्स, कि मेरे को बहुत मजा आया। ठीक है, मैंने अपना जितना भी फिजिक्स पढ़ा बहुत मजा आया, और मेरे को पढ़ाने में भी बहुत मजा आता है। मतलब मैं हर चीज को बहुत ही सरल ढंग से आपको समझा सकता हूँ, ऐसा मुझे लगा करता है। ठीक है, आप मुझे जरूर बताना कि आपको समझ में आता है कि नहीं, है ना? चलिए बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल फील करिए ना, फील ही तो कराना है ना, फील ही तो कराना है। चलिए, अच्छा अब हो गया संवहन। संवहन क्या होता है, इसको भी माध्यम की आवश्यकता होती है। सर बिल्कुल, मान लिया माध्यम की आवश्यकता होती है। दूसरी चीज क्या है? दूसरी ही चीज तो इंपॉर्टेंट है कि इस प्रकार का जो हीट ट्रांसफर है वो केवल लिक्विड और गैसियस मटेरियल में हुआ करता है, यानी कि गैसियस पदार्थ
और द्रव्य पदार्थों में इस प्रकार का ऊष्मा संचरण होता है, और इसमें जो अणु हैं उनकी वास्तविक गति होती है, एक्चुअल मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन दिस काइंड ऑफ हीट ट्रांसफर। अरे लास्ट में कराएंगे ना अपन न्यूमेरिकल, है ना, न्यूमेरिकल वाले चैप्टर में न्यूमेरिकल कराते हैं, हीट वगैरह से ज्यादा न्यूमेरिकल नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैंने क्वेश्चंस लिए हैं, आप लोग को मजा आएगा, लास्ट में करेंगे ना सवाल सारी चीजें कवर करके। चलिए बहुत ही बढ़िया, क्या यहां तक क्लियर है? तो इसमें वास्तविक रूप से जो होता है आपके मॉलिक्यूल्स हैं उनका ट्रांसफर होता है। अब जैसे मैं अगर इसका एग्जाम्पल दूं तो क्या, जैसे पानी का उबालना सबसे सरल इसका उदाहरण है, एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये आता है कि पानी का उबालना। ठीक है, देखो जब तुम देखो यहाँ पे सामने तुम्हारे एक पतीला चढ़ा है, उसमें आग जल रही है, तो क्या हो रहा है, पानी उबल रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि जो तुम्हारा ठंडा वाला पानी है, जो तुम्हारा ठंडा वाला पानी है वो क्या होगा, वो नीचे आएगा, वो नीचे आएगा, और जो गर्म वाला पानी है ना, जो गर्म वाला पानी है वो गर्म होकर के कहाँ उठेगा, ऊपर की तरफ उठेगा। क्या होता है, जब पानी गर्म करते हो तो गर्म वाला पानी नीचे से ऊपर की ओर उठता है गर्म होकर के, और ठंडा वाला पानी के जो अणु मौजूद होते हैं, जो वाटर मॉलिक्यूल ऊपर में मौजूद होते हैं जो ठंडे होते हैं, वो क्या होते हैं, वो नीचे की तरफ आते हैं, और ये तुम्हारी प्रक्रिया चलती रहती है, ठंडे वाले नीचे की तरफ आते हैं और गर्म वाले ऊपर की तरफ उठते हैं। तो एक आपकी क्या होती है यहाँ पे, कन्वेक्शन करंट बन जाती है, क्या बन जाती है यहाँ पे, संवहन की करंट बन जाती है, कंडक्शन करंट बन जाती है, और वहां पे पानी आपका थोड़ी देर में गर्म होते 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 उबलने लगता है, गर्म होते होते उबलने लगता है। इसी तरह तुम्हारे एग्जाम्पल, एक और मैं एग्जाम्पल दूं तो तुम्हारा गैस गीजर हो गया, क्या हो गया, गैस गीजर। अभी ठंडी के मौसम में सब लोग के घर में लगभग लगभग या तो आपके घर में गीजर होगा, ठीक है, और गीजर नहीं है तो मेरी तरह आप लोग रॉड डाल के पानी बाल्टी में पानी डाल के रॉड से गर्म करते होगे। ठीक है, तो देखिए रॉड से जब आप पानी गर्म करते हो बाल्टी में, तो वो तुम्हारा पानी धीरे धीरे गर्म हो जाता है, पूरा पानी बाल्टी का धीरे धीरे गर्म हो जाता है कि नहीं रॉड से। तो उसमें क्या होता है, उसमें जो रॉड है ना, वो जब पानी को गर्म करती है तो गर्म वाला पानी ऊपर की तरफ उठता है और ठंडा वाला पानी नीचे की तरफ आता है, जो पानी के अणु है। तो वहां पे देखो वास्तविक रूप से पानी के अणु क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। ठीक है, उसी तरह गैस गीजर, उसी तरह दो दूसरा एग्जाम्पल है वो तुम्हारा क्या है, फ्रिज यानी कि रेफ्रिजरेटर। जो तुम्हारा फ्रिज है रेफ्रिजरेटर, वो भी इसका बहुत अच्छा उदाहरण है। देखो रेफ्रिजरेटर में तुमने ध्यान से देखा होगा ऊपर में क्या मौजूद होता है, ऊपर में हमारा फ्रीजर होता है, क्या होता है हमारा रेफ्रिजरेटर में ऊपर में फ्रीजर होता है। ठीक है, तो फ्रीजर क्या करता है, हमारी पूरी फ्रिज को ठंडी करता है, जो ठंडा वाला जो ठंडी वाली हवा है वो नीचे की तरफ आती है, और जो रेफ्रिजरेटर फ्रिज में मौजूद गर्म वाली हवा है वो ऊपर की तरफ उठती है और जा करके फ्रीजर में फिर से ठंडी हो करके फिर से नीचे आ जाती है। तो फ्रीजर क्या कर रहा है, फ्रीजर भी क्या कर रहा है, फ्रिज को ठंडा कर रहा, और फ्रीजर में क्या मौजूद है, फ्रीजर में सर गैस मौजूद है, यानी गैस में हीट ट्रांसफर, गैस में ऊष्मा संचरण हो रहा है, यानी कि संवहन की प्रक्रिया वहां पे हो रही है। तो गैस और लिक्विड में किस प्रकार का होता है मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, आपका कन्वेक्शन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर यानी संवहन की प्रक्रिया होती है। क्लियर है? तो गैस गीजर, रेफ्रिजरेटर, पानी का उबालना, ये सारे इसके उदाहरण हो जाते हैं। ठीक है, क्लियर है यहां तक, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, एक्सो और एंडोथर्मिक हीट क्या है? अरे मेरे भाई वो थर्मोडाइनामिक्स का पार्ट है ना, उसको उतना तुम्हें अभी नहीं जानना है, उसको अभी तुम्हें नहीं जानना है। ठीक है, उसको जब मैं आगे पढ़ाऊंगा ना, केमिस्ट्री में मैं पढ़ाऊंगा, है ना, एक्सो और एंडोथर्मिक हीट क्या होती है, मुझे पढ़ाने दो, मैं पढ़ा दूंगा सारी बातें। चलो आगे बढ़ते हैं, फिर मैंने मोड ऑफ हीट ट्रांसफर में अगला चलते हैं, अगला क्या होता है तुम्हारा, अगला होता है रेडिएशन। ठीक है, विकिरण। अब इसको किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, मैंने कल की क्लास में भी बताया था कि जो विकिरणें हैं, रेडिएशंस हैं, ये क्या है, एक प्रकार की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। क्या है ये चुंबकीय, ये विद्युत चुंबकीय किरणें हैं, तरंगे हैं ये, है ना। तो ये आपका क्या है, ये तीसरा प्रकार है जिस प्रकार से ऊष्मा क्या होती है, ट्रांसफर होता है। क्लियर? और इसका सबसे बड़ा जो उदाहरण है वो उदाहरण क्या है, हमारे सूरज से हमारी पृथ्वी पर क्या आना, गर्मी का आना। देखो तुम सबको पता है कि भैया यहाँ क्या है सर, यहाँ निर्वात है। क्या है यहाँ पे, निर्वात यानी कि वैक्यूम है। ठीक है, यहाँ क्या है, वैक्यूम मौजूद है। ठीक है, लेकिन कोई मीडियम नहीं है, लेकिन कंडक्शन और कन्वेक्शन में तो मीडियम रिक्वायर्ड था ना सर, कंडक्शन और कन्वेक्शन में तो मीडियम रिक्वायर्ड था, लेकिन यहाँ पे मीडियम नहीं है, फिर भी कैसे हो रहा है कि सूरज से
सन से हमें क्या मिल रहा है, गर्मी मिल रही है, हमें ऊष्मा मिल रही है। तो उसका क्या कारण है, उसका ये कारण है कि जो भी वहां से ऊष्मा आ रही है वो ऊष्मा विकिरण के रूप में आ रही है। किसके रूप में आ रही है, रेडिएशन के रूप में आ रही है। क्लियर है? तो इसीलिए विकिरण जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक्स किरणें, ठीक है, तुम्हारी गामा किरणें, तुम्हारी अल्ट्रावायलेट यानी पराबैंगनी किरणें, ठीक है, तुम्हारी और भी बाकी सारी किरणें, विजिबल लाइट है ना, विजिबल लाइट, ये सब किसके उदाहरण है, ये सब किसके उदाहरण है, रेडिएशन के उदाहरण है। क्लियर है? चलिए, और ऐसा नहीं है कि सूरज से ही केवल रेडिएशन मिलता है। अगर आप अपने घर में भी आग जला रहे हो ना, तो उससे भी आपको क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगा, उससे भी आपको रेडिएशन मिलेगा। क्लियर है? बहुत ही बढ़िया। अब देखो, शुरू हमने कहां से किया था, ऊष्मा के प्रकार से शुरू किया था। मैंने बोला था जब मैं तीनों बातें बता दूंगा, जब मैं तीनों चीजें तुम्हें समझा दूंगा, तो आखिरी में तुम्हारी आत्मा तक को ये बात समझ में आ जाएगी कि तीन प्रकार के ऊष्मा का जो संचरण के प्रकार है वो कितने होते हैं, मोड ऑफ हीट ट्रांसफर। अब ये वापस से देखो, यही चित्र तुमने शुरू में देखा था, अब यही चित्र मैं यहां पे तुम्हें फिर से दिखा रहा हूं कि यहां पे लगी हुई है आग जो तुम्हारे सीने में भी लगी रहती है, जिसे क्या बोलते हैं, फायर, है ना। चलो, तो ये ठीक है, अरे यार बोल देता हूं कभी कभी, है ना, मैं मुझे खुद ही हंसी आ जाती है। चलो, तो देखो यहाँ पे तीन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर हो रहे हैं। ये इंसान रॉड हाथ में पकड़ा है, रॉड क्या है, सॉलिड, और सॉलिड है, सॉलिड का गर्म होना क्या बताता है सर, सॉलिड का गर्म होना कंडक्शन बताता है ना, सॉलिड का गर्म होना क्या बताता है, कंडक्शन यानी चालन। फिर इसके बाद ये देखो यहाँ पे गैस, ये भाप दिख रहा है ना, यहाँ पे भाप दिख रहा कि नहीं, तुम्हें भाप दिख रहा कि नहीं यहाँ पे, तो भाप दिख रहा मतलब गैस है, और गैस से ऊष्मा संचारित हो रही है यानी क्या है, कंडक्शन, सॉरी कन्वेक्शन यानी कि संवहन, क्या है, संवहन। और यहां पे देखो, यहां पे कोई कोई माध्यम नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, तुम्हारी ऊष्मा यहां तक पहुंच रही है, ये क्या हो गया, विकिरण, ये क्या हो गया, तीसरा माध्यम हो गया विकिरण। क्लियर है यहां तक? चलिए, बढ़िया बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब ये बहुत ही महत्वपूर्ण रिलेशन है, ये जो सामने अभी तक की क्लास का सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है जो तुम्हारे सामने इस वक्त लिखी हुई है, ठीक है। क्या लिखी हुई है, क्या लिखी हुई है, कि जो चालन द्वारा ऊष्मा के प्रवाह की दर है, जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट है कंडक्शन के द्वारा, ठीक है, वो किन बातों पे निर्भर करती है, ठोस पदार्थ की बात चल रही है, सॉलिड की, ठीक है, सॉलिड यानी ठोस पदार्थ की बात चल रही है, ठीक है, क्योंकि चालन किसमें होता है, तुम्हारा कंडक्शन किसमें होता है, सॉलिड में होता है, ठीक है। तो जो कंडक्शन है, बस ऐसे याद रखना कि जो चालन है, जो कंडक्शन है, वो क्रॉस सेक्शनल एरिया पे निर्भर करता है, यानी कि किस पे निर्भर करता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। क्रॉस सेक्शनल एरिया यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल कहेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपातिक होता है। अच्छा, इसका क्या मतलब हुआ सर, पृष्ठीय क्षेत्रफल के समानुपातिक होने का क्या मतलब है, मतलब ये है कि जितना ज्यादा ये वाला क्षेत्रफल होगा, देखो ये वाला क्षेत्रफल तुम्हें दिख रहा है कि नहीं, जितना ज्यादा ये वाला क्षेत्रफल होगा उतना ही तेजी से ऊष्मा क्या होगी, संचारित होगी, हीट तुम्हारी ट्रांसफर होगी। तो जो कंडक्शन प्रक्रिया के द्वारा रेट ऑफ हीट फ्लो है यानी ऊष्मा के प्रवाह की दर है, वो समानुपातिक है पृष्ठीय क्षेत्रफल के, और ये समानुपातिक है दो एंड के बीच में टेम्परेचर डिफरेंस के, मतलब यहां पे तापमान कितना है, यहां पे तापमान कितना है और यहां पे तापमान कितना है, तो इनके बीच में अगर तापमान का अंतर ज्यादा है, अगर इन दोनों बिंदुओं के बीच में तापमान का अंतर ज्यादा है, तो जो ऊष्मा है वो ज्यादा तेजी से ट्रांसफर होगी, वो ज्यादा तेजी से ट्रांसफर होगी। क्यों? क्योंकि ये वाला ठंडा वाला भाग है, ये काफी ठंडा वाला भाग है, और ये काफी गर्म वाला पार्ट है, हॉट वाला पार्ट है, तो हीट जल्दी 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 फ्लो होगी, ताकि वो जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा एनर्जी हॉट पार्ट से कोल्ड पार्ट तक पहुंचा दे। तो ये दूसरी बात समझ में आई। और जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि ये विषम अनुपातिक है यानी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, किसके बीच में, किसके बीच में, दो बिंदुओं के दूरी के बीच में, किसके बीच में, दो पॉइंट या दो बिंदुओं की दूरी के, दो बिंदुओं की दूरी के, दो बिंदुओं के दूरी के विषम अनुपातिक है, डिस्टेंस बिटवीन द एंड्स। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर अगर आपका ये वाला पार्ट, देखिए ये बहुत लंबा है, मान लो अगर ये 1 मीटर का है, तो
तो 1 मीटर का है, तो तुम खुद सोचो गर्म वाले भाग से ठंडे वाले भाग आने में क्या ज्यादा समय लगेगा, क्या नहीं लगेगा। भैया 1 मीटर का बड़ा सा लोहे का गट्ठा रखा हुआ था, फटाक से जो ऊष्मा थी वो गर्म वाले भाग से कोल्ड वाले भाग तक पहुंच गई। क्लियर है? अच्छा, लेकिन लेकिन मान लो ये वाली दूरी तुम्हारी कितनी हो गई, ये वाली तुम्हारी दूरी मैंने 10 मीटर की कर दी, तो फिर अब सोचो ना, 10 मीटर का वो बड़ा सा रॉड हो गया, 10 मीटर का तो बहुत समय लग जाएगा, है ना। इस वाले भाग तक आपकी गर्मी पहुंचते पहुंचते बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो जो ऊष्मा की दर है वो विषम अनुपातिक है दो बिंदुओं के दूरी के, और ये तीनों पॉइंट मैं बता रहा हूं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है, ठीक है। ऊष्मा के प्रकार के बाद अगर कोई महत्वपूर्ण चीज है आज की क्लास में, तो वो ये तीन बिंदु हैं। इनसे सवाल कैसे बनेगा मैं आगे आपसे पूछूंगा, ठीक है, धैर्य बनाए रखिएगा। चलिए लास्ट पार्ट है, इसमें मैं टाइम नहीं लूंगा, फिर इसके बाद एमसीक्यू करेंगे। तापीय प्रसार, इसमें मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं लूंगा। तापीय प्रसार होता क्या है, थर्मल एक्सपेंशन होता क्या है, बस जान लीजिए कि तापमान में वृद्धि के कारण किसी वस्तु की लंबाई, क्षेत्रफल या आयतन में वृद्धि को थर्मल विस्तार कहा जाता है। द इंक्रीज इन लेंथ, एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू राइज इन इट्स टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मल एक्सपेंशन। ठीक है, मतलब अगर किसी वस्तु का अगर तापमान बढ़ाया जाए तो उसके लंबाई में भी कुछ परिवर्तन आ सकता है, ठीक है, उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में भी कुछ परिवर्तन आ सकता है, और उसके आयतन में भी कुछ परिवर्तन आ सकता है। तो उसके लेंथ, एरिया और वॉल्यूम में टेम्परेचर बढ़ने से इनका लेंथ, एरिया, वॉल्यूम बढ़ना ही तापीय प्रसार कहलाता है। क्लियर है? और अगर आप तापमान घटाओगे तो यही लंबाई, क्षेत्रफल और आयतन घटेगा भी। तापमान बढ़ाओगे तो बढ़ेगा, घटाओगे तो घटेगा। और इनका उदाहरण क्या होता है, दो बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण होते हैं तापीय प्रसार के। कौन कौन से? आपका एक रेलवे लाइन में लोहे की दो रेलों के बीच में हमेशा एक छोटा सा गैप मौजूद होता है, आप हमेशा पढ़े होंगे, ठीक है। ये क्यों ऐसा, ये देखो रेलवे लाइन में ये छोटा सा गैप यहाँ पे मौजूद है कि नहीं, ये गैप यहाँ पे क्यों मौजूद है, ये गैप इसलिए मौजूद है कि जब कड़कड़ाती गर्मी में जब बहुत 40-50 डिग्री टेम्परेचर जाएगा, तो ये जो लोहा है ये बहुत ज्यादा गर्म होगा, बहुत ज्यादा हीट इसमें प्रोड्यूस होगी। और जब इसके ऊपर से सोचो इतनी भारी भरकम रेलगाड़ी गुजरेगी, तो क्या यहाँ पे तापीय प्रसार, क्या यहाँ पे थर्मल एक्सपेंशन नहीं होगा, और क्या ये रेल दोनों एक दूसरे की तरफ प्रसारित नहीं होंगे? होंगे ना। तो ये दोनों एक दूसरे पे ऐसे एक्सपेंड होकर के चढ़ ना जाएं, है ना, एक दूसरे पे ये चढ़ ना जाएं, ऐसे ऐसा ना हो जाए पटरी, इसलिए क्या है इनके बीच में थोड़ा सा गैप दिया जाता है। क्लियर है? इसी प्रकार से लकड़ी के गाड़ी में पहिए पर जो लोहा लगाया जाता है वो हमेशा क्या होता है, जो उसमें रिम मौजूद होता है ना, उसका व्यास हमेशा थोड़ा सा छोटा होता है। एन आयरन रिम ऑन अ वुडन कार्ट व्हील इज ऑलवेज स्लाइटली स्मॉल इन डायमीटर। क्यों? क्योंकि जब वो गर्म हो तो वो जब फैले तो फैलने के बाद भी वो कार्ट व्हील से चिपक ना जाए रिम, है ना, वो हमेशा उतना वहां पे गैप मौजूद बना रहे कार्ट व्हील में और उस लोहे के रिम के बीच में, है ना, लकड़ी के गाड़ी और लोहे के रिम के बीच में उतना डिस्टेंस बनी रहे। तो ये सब किस में आ जाता है, थर्मल एक्सपेंशन में आ जाता है, ठीक है। चलिए, तो ये बहुत छोटी सी चीज थी, है ना, और यहीं पे खत्म भी होता है, यहीं पे आपका हीट वाला पार्ट खत्म होता है। अब चल रहे हैं अपन एमसीक्यू की तरफ, और एक एक करके एमसीक्यू करेंगे, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है। हाँ, आप में से बहुत सारे मन में आ रहा होगा कि सर आपने तो बहुत सारी चीजें नहीं बताई अभी, ठीक है, आपने बहुत सारी चीजें सॉलिड लिक्विड से रिलेटेड नहीं बताई, तो थोड़ा सा ढाढ़स रखो। जब केमिस्ट्री पढ़ोगे तो केमिस्ट्री में मैं एक चीज पढ़ाऊंगा, क्या पढ़ाऊंगा आपको, स्टेट्स ऑफ मैटर, है ना, तो स्टेट्स ऑफ मैटर और हीट, स्टेट्स ऑफ मैटर और हीट में बहुत सारी सिमिलैरिटी हैं। तो जो भी चीजें आपके दिमाग में आ रहा है कि सर आपने नहीं पढ़ाई है, वो आपकी स्टेट ऑफ मैटर में पढ़ाऊंगा, यानी केमिस्ट्री में पढ़ाऊंगा। फिजिक्स में जितना आपको हीट में पढ़ना है, ऊष्मा में पढ़ना था, और जो आपके ग्रुप डी और एनटीपीसी सीवीटी 2 में जहां से सवाल आएंगे, वो मैंने सारी चीजें पढ़ा दी हैं, ठीक है। तो बस मेरे ऊपर भरोसा रखो, रोज की क्लास में बने रहो और अपना ढाढ़स बनाए रहो। पहला सवाल आप सभी के सामने, और एक बार लाइक और शेयर कर दो यार, ये क्यों अत्याचार कर रहे हो मेरे ऊपर, 50 लाइक नहीं है पूरे सेशन में, बताओ ऐसा करोगे? चलो, बहुत ही बढ़िया कुमारी, श्रेयस, हीट एनर्जी क्या हो जाएगा? तापमान अंतर के आधार पर दो प्रणालियों के बीच स्थानांतरित ऊर्जा को हम क्या कहते हैं? व्हाट डू वी कॉल द एनर्जी ट्रांसफर बिटवीन टू सिस्टम बाय वर्चू ऑफ टेम्परेचर डिफरेंस? हीट एनर्जी, उष्ण ऊर्जा कहा जाता है, यही आपकी ऊर्जा कहलाती है। अगला चीज है फारेनहाइट पैमाने के अनुसार जल का हिमांक बिंदु कितना होता है?
व्हाट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एज पर द फारेनहाइट स्केल? फारेनहाइट इसमें स्केल में जल का हिमांक बिंदु कितना होता है बता दो। बताओ, बता रहा हूँ, पाप पड़ेगा तुमको। मैं इतनी अच्छी क्लास जो करके जाते हो ना, और थोड़ा सा भी वीडियो में लाइक्स और शेयर नहीं करते हो, पाप पड़ेगा। माता रानी पाप लगाएंगी, देख रहे हैं भगवान ऊपर से। चलो, हाँ बिल्कुल, 32 डिग्री फारेनहाइट। क्या हो जाएगा सही आंसर? क्या हो जाएगा? 32 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, तो आपको मैंने बताया था फ्रीजिंग पॉइंट अगर डिग्री सेल्सियस में तो 0 डिग्री सेल्सियस, और कैल्विन में, कैल्विन में कितना होता है? कैल्विन में फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? -273, सॉरी 273 कैल्विन, है ना? कितना होता है? 273 कैल्विन। ये आपके तीनों तापमान होते हैं, हिमांक बिंदु। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा फारेनहाइट तापमान और सेल्सियस तापमान के बीच संबंध का प्रतिनिधित्व करता है? मतलब कौन सा यहाँ पे सही है? फारेनहाइट और सेल्सियस के बीच में एक रिलेशन दिया है, चार रिलेशन है, इनमें से कौन सा रिलेशन सिर्फ फारेनहाइट पैमाना और सेल्सियस पैमाने के बीच में सही बैठता है? फारेनहाइट टेम्परेचर एंड डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अब इसका आंसर करो। हैं, शुरू के दो सवाल तो बड़े आसान आसान से थे, तुम फटाफट आंसर कर दिए, इसका आंसर करो। चलो क्या होगा बताओ, बताइए बताइए, इसका आंसर बताइए। ए ऑप्शन, ए ऑप्शन किसने कहा था? ए और डी तो हो ही नहीं सकता, है ना? ए और डी तो इस जन्म में हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है ए और डी हो जाना। ए और डी हो ही जाना नहीं मुमकिन है। क्यों सर? हमें पता है डिग्री सेल्सियस और फारेनहाइट के बीच का जो रिलेशन है वो ये होता है, C/5F -32/9। तुम यहां से कोशिश करो कि कौन से वाले में सही रिलेशन बैठ रहा। इसमें क्या आ जाएगा, 32 को उधर भेजोगे तो ये F+32 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। और इसी प्रकार से ये -32 को जब इधर भेजोगे तो F+32 बनाएगा, ये भी मुमकिन नहीं है। अच्छा, तो बचा बी और सी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा, अब बी वाले ऑप्शन को देखो, अगर तुम यहां पे 32 को इधर भेजोगे तो F-32 हो जाएगा, और फिर ये किसके बराबर होगा? C/100/180, ऐसा लिखा हुआ है। तो यहां से अगर सॉल्व करोगे तो 20 × 5 = 100 और 20 × 9 = 180 होता है, यानी ये आएगा 9F-32/5C के। तो ये भी नहीं होता संबंध, यानी बी ऑप्शन भी नहीं है, यानी सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है, यानी कि तुम्हारा सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी कोई नहीं होंगे। आप चाहे तो इसको सॉल्व करके देख लो, ये वाला देखोगे तो 32 को उधर भेजो, ये हो जाएगा F-32, और ये किसके बराबर हो जाएगा? C/180/100। 20 × 5 = 100, 20 × 9 = 180, F-32। अब ये 9 को इधर भेजो तो बटे में आ जाएगा, और ये C/5। देखो क्या है दोनों का रिलेशन, है ना? दोनों का रिलेशन सी ऑप्शन करेक्ट है ना? प्रिंस श्रेयस, बहुत ही बढ़िया, रेलवे क्लासेस प्रमोद, बहुत ही शानदार गाइस, बहुत ही शानदार। अगला सवाल, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है गैस की तापीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस पूछा है मैंने, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस, मैंने तुम्हें ये बात समझाई थी, एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ गैस क्या होता है बता दो। जीसस क्राइस्ट का बर्थडे आने वाला है, ठीक है, और तुम्हारा भी। चलिए पढ़िएगा ध्यान से, चौथा सवाल, फिर बर्थडे मनाएंगे जीसस क्राइस्ट का, वीडियो को लाइक जरूर करेंगे मेरे भाई। इंक्रीजेस, बहुत ही शानदार, है ना? बढ़ जाता है, ये हिंदी में भी इंक्रीजेस कौन लिख दिया, बढ़ जाता है। ठीक है, मैंने तुम्हें बताया था ये बात कि जैसे जैसे तापमान बढ़ाओ तो जो गैस मॉलिक्यूल हैं उनका क्या हो जाएगा, उनका तुम्हारी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, वेलोसिटी बढ़ेगी तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो उनकी थर्मल कंडक्टिविटी, तापीय चालकता बढ़ेगी, वो ज्यादा से ज्यादा हीट ट्रांसफर कर पाएंगे। अगला सवाल है, पटाखों से ऊर्जा किस रूप में निकलती है? फायरवर्क्स रिलीजेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ, अरे डिक्रीज कौन बोल रहा है? अरे श्रेयस मेरे भाई, ऐसा करेगा क्या? इतना गला फाड़ फाड़ के, इतने अच्छे से पढ़ाया, ऐसा करेगा क्या? ये तो दिल तोड़ दिया, ये तो मेरा दिल टूट गया। डिक्रीज कौन बोल दिया? अरे यार अभी भी डिक्रीज मत बोलो यार, अरे तुमने एंथुसियाज्म ही डाउन कर दिए मेरा। ए ओमपाल सिंह, ऑल ऑफ द अबव, बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। पटाखों में ऊर्जा हर रूप में निकलती है, हीट के रूप में भी, साउंड के रूप में भी, और लाइट के रूप में भी, है ना? छोड़ते हो जब रॉकेट तो सुई करके जाता है ना, फिर बूम, है ना? तो वहां पे क्या हो रहा है, साउंड भी आ रहा है, लाइट भी आ रहा है, हीट भी आ रहा है। ठीक है, चलो बहुत ही बढ़िया, अगला सवाल, छठवां सवाल, हाथों को रगड़ने की प्रक्रिया में यांत्रिक ऊर्जा का रूपांतरण होता है कौन सी ऊर्जा में? ये सवाल का जो सही आंसर दे देगा मैं उसको ₹50 दूंगा, है ना? इन द प्रोसेस ऑफ रबिंग हैंड्स मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू,
अरे कोई नहीं मेरे भाई, मजाक कर रहा था, है ना। चलो हीट, इस सवाल का जो आंसर करेगा 50 रुपए सीधे करूंगा यहां से उसको पेटीएम। हाँ देखे हैं, तुम्हारा मुंह नहीं है 50 रुपए लेने लायक, जो डी ऑप्शन कर रहे हो। थर्मल एनर्जी कहते हैं, तापीय ऊर्जा कहते हैं। आप कहोगे सर ये क्या बात हुई, थर्मल एनर्जी और हीट एनर्जी तो दोनों सेम सेम चीज होनी चाहिए। अरे नहीं मेरे लाल, देखो हीट एनर्जी यानी उष्ण ऊर्जा उसको बोलते हैं जिसको संचरित किया जा सके, जिसका संचरण हो सके, समझना बात को ठीक है, जिसका संचरण हो सके यानी कि जिसका ट्रांसफर हो सके, ऐसी एनर्जी को क्या कहते हैं, ऐसी एनर्जी को कहते हैं हीट एनर्जी। बात समझ रहे हो, मैंने अभी अभी पीछे बताया ना, इनको हम ट्रांसफर कर सकते हैं, संचरण कर सकते हैं, लेकिन थर्मल एनर्जी ऐसी एनर्जी होती है जो क्या होती है, ये किसी वस्तु की उसकी अपनी अंदर की ऊर्जा होती है, या कहते हैं एनर्जी विद इन द ऑब्जेक्ट, ये ट्रांसफर नहीं होता। तो जब आपको ठंडी लगती है, आप अपना हाथ रगड़ते हो, तो आपका केवल हाथ गर्म होता है। क्यों गर्म होता है? क्योंकि वो आपके हाथ में छुपी हुई ऊर्जा थी, वो आपके हाथ की ताप ऊर्जा के कारण आपका हाथ गर्म हो रहा, थर्मल एनर्जी। ऐसा नहीं है कि आप अपना हाथ गर्म करके रॉड गर्म कर दोगे, है ना, ऐसा नहीं होगा कि आप अपना, पता चले कि हाथ रगड़ रहे हो, आप अपना हाथ रगड़ रहे हो और उसमें लोहे की रॉड को तुम गर्म कर दो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तुम अपना हाथ रगड़ोगे तुम्हारा हाथ ही बस गर्म होगा, ऐसा नहीं होगा कि धीरे 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 ये पूरी रॉड ही गर्म हो गई। ठीक है, तो वो क्या होता है यहां पे, मतलब आप हीट ट्रांसफर नहीं कर पा रहे, हीट ट्रांसफर आप नहीं कर पा रहे और उसे कहते हैं थर्मल एनर्जी। तो थर्मल एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती, हीट एनर्जी ट्रांसफर होती है। ठीक है चलो, थर्मल एनर्जी होगा, है ना। चलो बहुत दिया, सौरभ ने आंसर किया था, कुमारी, एस के मेहता, बहुत ही लोग, कुछ लोगों ने, विजय ने किया था, सबसे पहले विजय ने आंसर किया था सी ऑप्शन, नहीं प्रिंस ने किया था। हाँ, चलिए कुछ बच्चों ने किया था, कुछ बच्चों ने किया था। अरे तो 50 नंबर देंगे ना, ए? अरे तुम लोग यार यही है, ए? मंदिर खुला नहीं कि ठीक है चलो आगे बढ़ो। अरे तो तुम पेटीएम नंबर दोगे तब ना भेजेंगे, ऐसे कैसे भेज दें। किसी पिंड के तापमान को 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने के लिए आवश्यक ऊष्मा की मात्रा होनी चाहिए। आवश्यक ऊष्मा की मात्रा को क्या कहा जाता है, स्पेसिफिक हीट कहते हैं। क्या कहते हैं? बी ऑप्शन, विशिष्ट ताप यानी स्पेसिफिक हीट कहा जाता है। सभी बच्चों को बताया, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस। देखो ये चीज मैंने नहीं पढ़ाई, आप कहोगे सर आपने पढ़ाया नहीं स्पेसिफिक हीट, क्योंकि इसमें केवल इतना ही आता है। ठीक है, इसमें सवाल में हमेशा पेपर में अगर कोई सवाल आएगा तो वो यही पूछेगा कि विशिष्ट ताप क्या होता है, स्पेसिफिक हीट क्या होता है। तो किसी भी वस्तु का तापमान, किसी भी वस्तु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाने में, 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने में दिया गए ऊष्मीय ऊर्जा ही आपका हीट, स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ताप कहलाता है। एक बात याद रखना है कि जो तुम्हारा पानी है, जो पानी है तरल पदार्थों में सबसे ज्यादा इसी की विशिष्ट ताप होती है। तो कभी पूछेगा कि निम्नलिखित में से किसका सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी, सॉरी स्पेसिफिक हीट यानी विशिष्ट ताप होता है, तो आप कह देना पानी का होता है, वाटर का होता है। ठीक है, किसका होता है? वाटर का। कितना होता है वो भी मैंने लिखा है, 4184 जूल पर किलोग्राम पर कैल्विन, जूल पर किलोग्राम पर कैल्विन। ठीक है, ये सबसे ज्यादा होता है स्पेसिफिक हीट, किसका? वाटर का। ये सवाल दूसरा है, इसके अलावा सवाल एग्जामिनर को भी नहीं पता ज्यादा स्पेसिफिक हीट, और ना आपको ज्यादा पता है ना, तो दोनों लोग को ज्यादा नहीं पता, तो दोनों लोग मिलके कोई सवाल नहीं पूछते हैं। ठीक है, एग्जामिनर संकोच करता है कि अगर लड़का हमसे पूछ लिया कि सर थोड़ा स्पेसिफिक हीट खुल के बताओ, तो वो भी नहीं बता पाएगा, है ना। चलिए अगला सवाल, जैसे जैसे तापमान बढ़ता है ठोस धातु की तापीय चालकता, ये सवाल मैंने इसीलिए लिया क्योंकि इससे पहले मैंने एक सवाल कराया तुम्हें, ये सवाल, ये सारे ऐसे सवाल है ना, ये सारे ऐसे सवाल है ना कि तुम्हारे फिजिक्स के टीचर को भी नहीं आते हैं। मैं बता रहा हूँ जितनी सरलता से मैं तुम्हें पढ़ा दे रहा हूँ ये सारी बातें, छोटी छोटी सी ना, इतनी सरलता से उन्हें भी कभी नहीं समझ में आया फिजिक्स, जो बहुत लोग फिजिक्स के टीचर रहते हैं आजकल। चलिए हाँ, उसी को मैंने एग्जैक्ट बताया, इसको बता दो मेरे भाइयों फटाक से। प्रमोद बोल रहे हैं 8वें का ए ऑप्शन, देखो प्रमोद ने भी गलत कर दिया, है ना, सबने गलत कर दिया। क्यों सर? क्योंकि हमने तो अभी अभी गैस का पढ़ के आया, और गैस में आपने हमें समझाया था सर, गैस में आपने हमें समझाया था कि भैया वहां पे मौजूद अणु, उनका आप वेलोसिटी देखो, तो जैसे जैसे उनका वेलोसिटी बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, तो आप कह दोगे कि उनका हीट ट्रांसफर बढ़ रहा, यानी कि तापीय चालकता, थर्मल कंडक्टिविटी बढ़ रही है।
ठीक है, लेकिन मैं कहता हूं कि यहां पे तुम गलत हो। क्यों गलत हो मेरे भाई? क्योंकि यहां पे घटती है। अच्छा, अब आप कहोगे सर ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया? तो देखो देखो बात क्या है, बात क्या है, मैंने तुम्हें ये बताया था कि जब सॉलिड होता है ना, तो सॉलिड में क्या होता है, वाइब्रेशन क्रिएट होता है। सभी सभी जो अणु हैं वो अपनी जगह से इधर उधर भागते थोड़ी हैं, सभी अणु अपनी जगह से इधर उधर भागते थोड़ी हैं, वो केवल उसी जगह पे स्थिर रह करके कंपन करते हैं, यानी कि वाइब्रेट करते हैं। और जब वो वाइब्रेट करते हैं, जब वो वाइब्रेट करते हैं तो क्या होता है वहां पे, जब बहुत ज्यादा वाइब्रेट करते हैं तो वहां पे क्या होता है, जगह बहुत कम बचती है। जगह किसके लिए बहुत कम बचती है? इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल करने के लिए, इलेक्ट्रॉन के ट्रेवल करने के लिए जगह बहुत कम बचती है। वो भिड़ने लगता है। भैया पहले जब सब कुछ ठीक था तो इलेक्ट्रॉन आराम से जा रहा था, फिर अब सब आपस में कांपने लगे, सब वहां पे कंपन करने लगे। तो क्या हो गया, जब सब कंपन करने लगे तो इलेक्ट्रॉन को अब आगे नहीं जा पा रहा था इलेक्ट्रॉन, अब इलेक्ट्रॉन जब आगे नहीं जा पा रहा था तो वहां पे क्या हो गया, वहां पे क्या हो गया, फिर वो आपका जो जो हीट है वो क्या हो जाएगा, आपका अच्छे से ट्रांसफर नहीं होगा। क्लियर है यहां तक? यहां तक बात क्लियर है गाइज? लाइट पावर कट हो गई यार, सॉरी पावर कट हो गया, ठीक है चलो यहां तक क्लियर है सबको? पावर कट हो गया, मैंने अपना कैमरा इसीलिए ऑफ कर लिया, ठीक है? पावर कट है, आपकी क्लास नहीं रुकेगी, डोंट वरी, आपकी क्लास नहीं रुकेगी, पावर कट हुआ है, बस आप क्लास पे फोकस करो, मेरा चेहरा बस नहीं दिखेगा क्योंकि मैंने लाइट बंद कर दी है ना, इसकी वाली भी लाइट मैंने बंद कर दी है, लैपटॉप वाली भी। जब ऊष्मा का स्थानांतरण आणविक संगठन द्वारा होता है तो इस ऊष्मा अंतरण को क्या कहा जाता है? व्हेन हीट इज ट्रांसफर्ड बाय मॉलिक्यूलर कोलिजन इट इज रेफर्ड टू एज हीट ट्रांसफर बाय व्हाट? सर लग रहा है आपके क्लास में सेंटा आ रहे हैं, हैं? तुमने वो सुना है कि नहीं है? सेंटा आएगा, सेंटा आएगा, सबको पता है ना, वही होता है सेंटा वेंटा, कुछ नहीं होता। हाँ, मेरा चेहरा कल देख लेना, अभी क्लास में फोकस करो। लाइक वाइक दबा दो यार मेरे भाई, लाइक वाइक कर दो यार, आज तो 50 से ऊपर भी तुमने नहीं पहुंचाया लाइक। अरे गुरुदेव, इतना इतना मेरे साथ आप अत्याचार करेंगे? चलिए क्या होगा, तो इसे कहेंगे कन्वेक्शन, है ना? व्हेन हीट इज ट्रांसफर बाई, नहीं, कंडक्शन ही कहेंगे, है ना? कंडक्शन ही कहेंगे। मॉलिक्यूलर कोलिजन मैंने लिखा है ना, मॉलिक्यूलर कोलिजन मतलब कि केवल मॉलिक्यूल आपस में भिड़ रहे हैं, है ना? मॉलिक्यूलर कोलिजन लिखा है, यानी केवल और केवल जो ये मॉलिक्यूल हैं ये आपस में भिड़ रहे हैं कंपन करके, यानी ये ठोस पदार्थ की बात कर रहा, और ठोस पदार्थ में किस प्रकार का ऊष्मा का संचरण होता है, उसमें कंडक्शन होता है, चालन होता है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, चालन हो जाएगा, है ना? बहुत ही बढ़िया, कंडक्शन। 10वां सवाल, चलिए लाइट आ गई है, लाइट आ गई है, और मैं अपना चेहरा लेकर के आप सभी के सामने आ जाता हूं। और आज तुम लोगों ने मुझे निराश किया है, मेरी क्लास खत्म होने का समय आ गया है लगभग लगभग, और मेरी क्लास में आज 50 से ऊपर लाइक नहीं है, ठीक है? ये बिल्कुल माफी के काबिल नहीं है, और मुझे नहीं लगता मेरी इतनी मेहनत के बाद मैं इतना कम डिजर्व करता हूँ। चलो आगे बढ़ो, अगला सवाल, लेकिन तुम सुधरोगे नहीं, गलत केस उठाओ, इसमें रॉन्ग वाला बताना है। एक तरफ से दूसरी तरफ बहने वाली ऊष्मा सीधे किस पर निर्भर करती है? मैंने बोला था, मैंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ाया था एक लेकर के, उसमें मैंने ये सारी चीजें बोली थी, ठीक है? उसमें मैंने ये सारी चीजें बोली थी। चलो बताओ, ये 10वें वाले सवाल का आंसर कर दो, 10वें वाले सवाल का आंसर कर दो फटाक से। डी ऑप्शन, टेम्परेचर डिफरेंस सीधे निर्भर नहीं करता। अरे अरे अरे, तुम लोग गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो, गलती कर रहे हो। सीधे मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ना, मैं पूछ रहा हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ हीट फ्लो, रेट ऑफ हीट फ्लो मैं बोल रहा हूं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। आप अरे ध्यान से ऑप्शन पढ़ो ना, रेट ऑफ हीट फ्लो मैंने पूछा है, आपको ये बताना है इसमें से कौन सा गलत है, मतलब कौन से करेक्ट वाले हैं, कौन से सही हैं यहाँ पे डायरेक्ट डायरेक्शन वाले। तो यहाँ पे जो सही वाला है ना, वो फेस एरिया टाइम और टेम्परेचर डिफरेंस है, थिकनेस तुम्हारा गलत है। क्या है? थिकनेस तुम्हारा गलत है, ठीक है? थिकनेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, थिकनेस तुम्हारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। देखो थिकनेस मतलब ये, अब ये देखो बहुत मोटा हो गया ना, ये क्या हो गया, ये देखो कितनी ज्यादा इसकी थिकनेस है, चौड़ाई कितनी ज्यादा है, तो जितनी ज्यादा चौड़ाई होगी, जितनी ज्यादा मोटाई होगी, उतना ही ज्यादा समय लगेगा ना यहां से यहां हीट ट्रांसफर होने में, तो वहां पे जो दर है ऊष्मा के संचरण की तो वो तो कम हो जाएगी। और फिर मैंने बोला था अगर ये वाला क्षेत्रफल ज्यादा है तो ज्यादा ऊष्मा संचारित होगी, ठीक है? ज्यादा ऊष्मा संचारित होगी, ठीक
है। और फिर इसके बाद टेम्परेचर डिफरेंस भी मैंने बताया था कि टेम्परेचर डिफरेंस भैया अगर यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कम है यहाँ पे ज्यादा है तो भी ज्यादा तेजी से हीट ट्रांसफर हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है। अच्छा फिर मैंने ये बताया था कि समय है ना, तो समय देखिए समय क्या होता है, समय के साथ आप देखिए समय को ऐसे रिलेट करिए कि अगर आप किसी चीज को ज्यादा समय देंगे तो वो ज्यादा गर्म होगा ना, ऐसे समझो, ऐसे समझो कि इस भाग में तुमने इसको गर्म करना शुरू कर दिया, इस भाग में इसको गर्म करना शुरू किया दिया, तो अगर तुम 10 मिनट का समय दोगे तो ये वाला भाग कम गर्म होगा है ना, ये वाला भाग कम गर्म होगा। लेकिन अगर यहीं पे तुमने इसको 50 मिनट दे दिया तो अब ये वाला भाग ज्यादा गर्म हो जाएगा ना, ज्यादा गर्म हो जाएगा ना, यानी कि जो रेट ऑफ हीट फ्लो है ऊष्मा के संचरण की जो दर है वो जैसे जैसे समय बढ़ेगा तो वो भी बढ़ेगी ना, यानी रेट ऑफ हीट फ्लो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है समय के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, समानुपातिक है, क्लियर है। तो यहाँ पे केवल मोटाई तुम्हारा गलत आंसर होगा है ना, क्लियर है, यहां पर थिकनेस करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11वां सवाल, आगे बढ़ेंगे। चलो यहां तक समझ में आया ना, बहुत अच्छा सवाल था वो, बहुत अच्छा सवाल था वो, याद रखना बहुत अच्छे, ये सारे बहुत अच्छे अच्छे सवाल है, मैंने एकदम परफेक्ट सवाल सेलेक्ट करके लाए हैं। मैं वो पुराने पुराने वाले सवाल जो बहुत ज्यादा आसान होते हैं और प्रीवियस ईयर जो तुम कर करके एकदम चौड़ में घूमते हो, मैंने वो वाले सवाल बहुत कम लिए हैं, मैंने अच्छे अच्छे सवाल लिए हैं इसीलिए कि तुम्हें मजा आ जाए क्लास में, है ना। चलो है ना, हैप्पी बर्थडे मनाएंगे यार, है ना, सेंटा क्लॉज आएगा आज, जीजस क्राइस्ट का हैप्पी बर्थडे, सेंटा क्लॉज का हैप्पी बर्थडे कौन बोल रहा है बे, है सेंटा क्लॉज का हैप्पी बर्थडे नहीं होता है, वो आता है बच्चों को गिफ्ट देने, जीजस क्राइस्ट का होता है। तुम लोग नाक कटाओगे हैं, एक तो तुम्हारा त्योहार नहीं है, झूठे खुश हो रहे हो, ऊपर से पता नहीं है कि बर्थडे किसका होता है, आधे तो सेंटा क्लॉज का बर्थडे मना दे रहे हैं लग रहा है। चलो आगे बढ़ो, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा हस्तांतरण की सबसे तेज प्रक्रिया है, कौन सी है सबसे तेज, कंडक्शन, अबे रेडिएशन होता है, विकिरण होता है, रेडिएशन होता है, रेडिएशन को किसी भी तरह का मीडियम नहीं चाहिए, किसी भी तरह का मीडियम नहीं चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार का रेडिएशन को अगर मीडियम नहीं चाहिए तो मतलब वहां पे किसी भी प्रकार का प्रतिरोध ही उत्पन्न नहीं होगा, जब प्रतिरोध ही उत्पन्न नहीं हो, सबसे कम है ना जो स्लोएस्ट है, स्लोएस्ट क्या होता है, कंडक्शन होता है, ठीक है। तो सबसे धीमा जिसमें ऊष्मा हस्तांतरित होती है, हीट ट्रांसफर होती है, वो कंडक्शन प्रक्रिया में है, और सबसे तेज यानी कि फास्टेस्ट तुम्हारी विकिरण में है, ठीक है। तुमको कुछ नहीं आता है, तुमको कुछ नहीं आता है, 1 घंटा जो मैंने गला फाड़ फाड़ के थियरी पढ़ाई है तुम सब गलत कर दे रहे हो, है ना। हाँ भगवान का बर्थडे है मेरे भाई, जीजस क्राइस्ट, बहुत ही बढ़िया दीपू, भगवान का बर्थडे है। चलिए क्या दुनिया बोल रहा है, क्या बोल रहा है मेरे भाई, दुनिया क्या बोल रहा है, सेंटा का बर्थडे है। निम्नलिखित में से किसमें तापीय चालकता का अधिकतम मान होता है, देखो ये सवाल ऐसा है कि रटने वाला है, मैं ये नहीं कहूंगा कि कोई इसमें बहुत कंसेप्ट छुपा है, ये वाला सवाल तुम्हारा रटने वाला है, ठीक है। चलिए तो ये वाला आपका आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम, केवल लिख लो, एल्यूमिनियम एक ऐसी धातु होती है जिसकी तापीय चालकता सबसे अधिक होती है, ठीक है, एल्यूमिनियम तुम्हारा, स्टील तुम्हारी मिश्र धातु है, ठीक है, स्टील मिश्र धातु है, एल्यूमिनियम हो जाता है, इसमें रटना है, इसमें कुछ नहीं करना, स्टील है और सॉरी एल्यूमिनियम है करेक्ट आंसर, और एल्यूमिनियम ही तुम्हें याद रखना है, ठीक है, हाँ उसको याद ही रखना है, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगला, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा संचरण की दर की इकाई है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, ध्यान से पढ़ना, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मैंने लिखा है, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर क्या होगा सही आंसर, मैं तुम्हें ऐसे सवाल कर रहा हूं जो सोचने पे मजबूर कर दे तुमको, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर पूछ रहा हूं मैं तुमसे, हाँ सूर्य के प्रकाश रेडिएशन द्वारा पहुंचता है, बिल्कुल आरोही करेक्ट है आप, है ना, उसी को कहते हैं रेडिएशन मोड ऑफ हीट ट्रांसफर, जूल किसने बोला है, बाय गॉड मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा तुम लोग को, मैं गौतम, दीपू, दीपू मेरे भाई थैंक्स अ लॉट, इज्जत बचा लिया तुमने यार, प्रिंस बता रहा हूँ, या मैं जा रहा हूँ अभी रस्सी ऑर्डर करूंगा अमेजोन से, ये क्लास खत्म होने के बाद मैं अमेजोन खोलूंगा, वहां से एक फांसी का फंदा ऑर्डर करूंगा, क्योंकि कल से क्लास तो ले नहीं पाऊंगा, है ना। चलो वॉट करेक्ट आंसर होगा, मैंने क्या पूछा, ऊष्मा संचरण की दर यानी रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट नहीं पूछा, हीट का जूल होता ना, तो रेट ऑफ हीट ट्रांसफर मतलब समय के साथ हीट का ट्रांसफर होना, कितनी हीट कितने समय में ट्रांसफर हो रही है, कितनी ऊष्मा कितने समय में ट्रांसफर हो रही है, यानी जूल पर सेकेंड, कोई मुझे बताएगा इसको वाट कहते हैं कि नहीं कहते,
अरे क्या मैंने तुम्हें मोशन में नहीं पढ़ाया था, जूल किसकी होती है इकाई? वर्क की। सेकंड किसका इकाई होता है? टी का। वर्क अपॉन टाइम क्या होता है सर? वर्क अपॉन टाइम क्या होता है? वर्क अपॉन टाइम क्या होता है? पावर होता है सर, शक्ति होता है, और शक्ति का इकाई बचपन से पढ़े हैं सर, वाट होती है। तो क्या ये रेट ऑफ हीट ट्रांसफर यानी ऊष्मा का संचरित होना समय के हिसाब से, रेट अगर लिख दिया ना, अगर कहीं पे दर लिख दिया मतलब समझ लो बटे में समय लगा हुआ है, किसी भी चीज की बात कर रहा है, और आज से याद रखना किसी भी चीज की बात कर रहा है, एक्स वाई जेड किसी भी चीज की बात कर रहा, लेकिन अगर उसमें दर लिख दिया ना, रेट लिख दिया मतलब उसको समय से विभाजित कर रहा, मतलब वो चीजें समय के साथ कैसे परिवर्तित हो रही है ये कहना चाह रहा है। ठीक है, तो हीट का ट्रांसफर होना का रेट आपसे पूछा है, यानी हीट समय के साथ कितना बढ़ रहा है आगे, तो यानी कि हीट बटे समय यानी जूल पर सेकेंड। जूल पर सेकेंड क्या होता है? वाट होता है। करेक्ट आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन है। तुम लोग मैं बता रहा हूं ना, इतना पढ़ाने के बाद जब तुम लोग इस तरह के सवाल गलत करके आओगे ना, और फिर कहे कि सर आपने रेट ऑफ हीट ट्रांसफर की यूनिट नहीं बताई थी, मैं बता रहा हूं तुमको भी गोली मार दूंगा, खुद को भी गोली मार लूंगा, है ना। तो ये मत कहना कि सर आपने ये चीजें पढ़ाई नहीं और पेपर में आया, मैं बता रहा हूँ दौड़ा दौड़ा के मैं मारूंगा डंडे से, मैंने पढ़ाया है सब कुछ पढ़ाया, ऐसा मत करना मेरे साथ। चलिए चलो आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अरे सर मैं रीजनिंग पढ़ा लूंगा अभिषेक कुमार। अरे सही है भाई, रीजनिंग आप पढ़ा लेंगे, पढ़ाइए बहुत ही बढ़िया। अरे मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ, थोड़ी बहुत गलती। अरे तुम गलती करो इसीलिए तो बैठा हूं ना। चलो, अरे मेरे को पता है तुम गलती करोगे इसीलिए तो मैं ये सवाल लाया हूं, मुझे अगर तुम्हें पता होता कि तुम सही आंसर दे दोगे तो मैं सवाल ही क्यों लाता, मुझे पता है ना कि तुम यहाँ यहाँ पे गलती करोगे, तो उन्हीं गलतियों को सुधारने के लिए तो मैंने सवाल लिए थे, है ना। बाकी तो मजाक की बातें हैं कि मौज बनी रहे क्लास में। एक आदर्श चालक का ऊष्मीय प्रतिरोध कितना होता है? व्हाट वुड बी द थर्मल रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल कंडक्टर? कितना हो गया? चलो जीरो होगा, बिल्कुल ठीक है। अब सीधी सी बात है भैया, है ना, ये तो भैया बहुत आसान सा सवाल है कि एक आदर्श चालक है यानी थर्मल मतलब आपका आइडियल कंडक्टर है, तो भैया अगर उसमें आप हीट ट्रांसफर करना चाहते हो तो उसका प्रतिरोध शून्य ही होना चाहिए ना, मतलब अगर वो आदर्श रूप से है तो वो रोकना ही नहीं चाहिए, उसको रोकना ही नहीं चाहिए ऊष्मा के संचरण को। ठीक है, चलो आखिरी सवाल करेंगे। आखिरी सवाल पे आज के हम आ चुके हैं, बहुत ही अच्छी क्लास रही है, बहुत ही अच्छा साथ रहा आपका, वीडियो में लाइक धड़ाधड़ आते रहने चाहिए जब तक क्लास अब खत्म नहीं हो यहाँ से, है ना। और मेरे भाइयों बहुत अच्छा किया आप लोगों ने। चलो इसका आंसर कर दो, 15 का आंसर कर दो, बिल्कुल जीरो करेक्ट आंसर होगा, है ना। आरोही और दिव्या, दिव्यो ज्योति ललित, बहुत ही बढ़िया। तेंदुआ आ गया, कहाँ आ गया भाई? चलो आ जाओ अगला सवाल, 15वां सवाल, ध्यान से देखेंगे। तापीय चालकता के बारे में कौन सा कथन सही है ना। तो सबसे ज्यादा तुम्हारा स्टील में होता है, फिर पानी में, और फिर लकड़ी में। बी वाला करेक्ट आंसर है। हाँ अरे 15 का भी ए वाला नहीं होगा ना, है ना। पहले तुम्हारा सबसे ज्यादा किसमें होगा? स्टील में होगा, फिर तुम्हारा वाटर में होगा, फिर तुम्हारा लकड़ी में होगा, क्योंकि लकड़ी क्या होता है, ये तुम्हारा कंडक्टर नहीं है। पानी क्या होता है? पानी भी तुम्हारा चालकता होती है ना, उसमें चालकता होती है, लेकिन वुड क्या है? इंसुलेटर है। ये क्या है? नॉन मेटल होता है ना, ये नॉन मेटल अधातु है ना, ये इंसुलेटर है ना, इसलिए सबसे ज्यादा कम इसी में हीट ट्रांसफर होगी। तो सबसे ज्यादा स्टील में, क्योंकि वो क्या है, वो आपका क्या है, ठोस पदार्थ है ना, वो धातु है, तो धातु की चालकता सबसे ज्यादा होगी, फिर पानी की, फिर लकड़ी की। ठीक है, तो ये बी ऑप्शन कर हो जाएगा सही। ठीक है, हाँ चलिए बहुत ही बढ़िया, क्लियर है यहाँ तक, बहुत ही शानदार। तो यहीं पे खत्म करते हैं आज के सेशन को। उम्मीद करता हूँ तुम्हें सारी बातें समझ में आई होंगी जितनी भी मैंने पढ़ाई हीट ट्रांसफर की। अब देखो मैंने तुम्हें बोला है ना, ऑप्टिक्स तुम लोग पढ़ लेना। ऑप्टिक्स देखो तुम्हारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, प्लेलिस्ट देख लो जा करके, है ना। नीचे जाओगे, स्क्रॉल करके नीचे जाना, आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 और ग्रुप डी, है ना, ये लिखा हुआ है प्लेलिस्ट में, और साइंस लिखा है सीबीटी 2 और स्लैश करके ग्रुप डी लिखा है, और उसमें साइंस बाई सौरभ सर लिखा है। ठीक है, उस प्लेलिस्ट में जाना, वहां पे तुम्हें ऑप्टिक्स का वीडियो मिल जाएगा, या तो डायरेक्ट यूट्यूब में सर्च कर लेना ऑप्टिक्स बाई सौरभ सर, ये कीवर्ड डालना, कीवर्ड ये डालना तभी आएगी वीडियो, ऑप्टिक्स बाई सौरभ सर सामने आ जाएगी, और वो 2 घंटे की वीडियो चाट जाना। ठीक है, 2 घंटे की वीडियो है, तो ये तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। और अब केवल एक चैप्टर यहां से बचता है, एक चैप्टर फिजिक्स का बचता है, वो है करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। तो ये अगली क्लास में शुरू करेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, मैग्नेटिज्म चुंबकत्व तो पढ़ेंगे और विद्युत धारा के बारे में पढ़ेंगे। तो कल की क्लास का टॉपिक यही रहने वाला है, कल की क्लास का मिलते हैं कल 10 बजे। ठीक है, और ये वाला जो क्लास है इसको 2 भाग में करेंगे,
कल एक क्लास होगी और एक क्लास सोमवार को होगी, और फिर मंगलवार से आपकी बायोलॉजी शुरू हो जाएगी, फिजिक्स खत्म हो जाएगी। तो मुझे लगता है मैंने फिजिक्स लगभग लगभग अपन कगार पे है, आखिरी पे चरण पे है फिजिक्स के। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत मजा आया होगा पूरी फिजिक्स पढ़ने में। प्लेलिस्ट बनी है, आप में से जो बच्चे आज पहली बार देख रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो लाइक कर लें, ठीक है, और आप प्लेलिस्ट जरूर जा करके देखें और सारी वीडियो पढ़ें, ठीक है। चलिए बहुत ही बढ़िया, तो ये तक था साथ। एक और चीज लास्ट बात बता दूं उन सभी बच्चों को जिनको पीडीएफ चाहिए, साइंस बाई सौरभ सर टेलीग्राम ग्रुप में आ जाओ, ठीक है। साइंस बाई सौरभ, स्पेलिंग सही डालना मेरी, साइंस बाई सौरभ सर टेलीग्राम ग्रुप है, यहाँ पे तुम्हें पीडीएफ मिल जाएंगी, तो तुम इस पे आ जाओ, ठीक है। चलो बहुत ही बढ़िया दीपू मेरे भाई, बाय। आपको भी प्रमोद, मनाली, सभी लोगों को बाय। गौतम मेरे भाई, चलिए टेक केयर। तो वीडियो में एक बार लाइक जरूर करिएगा और मिलते हैं कल की क्लास में।